Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Gujarat International Maritime Arbitration Center, GMAC. हम जानेंगे गुजरात इंटरनेशनल मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में. The Gujarat Maritime University had signed a memorandum of understanding with International Financial Service Center Authority in GIFT City to promote the Gujarat International Maritime Arbitration Center. जो गुजरात मैरिटाइम यूनिवर्सिटी है उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है आपका गिफ्ट सिटी पे उसके साथ ताकि वो प्रमोट कर सके गुजरात इंटरनेशनल मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को. द जीमेक विल बी अ पार्ट ऑफ मैरिटाइम क्लस्टर दैट इज बीइंग सेट अप बाय द गुजरात मैरिटाइम बोर्ड इन गिफ्ट सिटी एट गांधीनगर गुजरात. ये जो जीमेक है वो पार्ट है मैरिटाइम क्लस्टर का जिसको कि सेटअप किया जा रहा है गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के द्वारा गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में. क्या फंक्शन है गुजरात इंटरनेशनल मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर का. दिस विल बी द फर्स्ट सेंटर ऑफ इस काइंड इन द कंट्री दैट विल मैनेज आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन प्रोसीडिंग विद डिस्प्यूट रिलेटेड टू मैरिटाइम एंड शिपिंग सेक्टर. ये पहला सेंटर होगा इस काइंड का इस कंट्री में जो कि मैनेज करेगा आर्बिट्रेशन और मेडिटेशन प्रोसीडिंग को डिस्प्यूट को जो कि रिलेटेड होगा मैरिटाइम और शिपिंग सेक्टर के लिए. क्यों GMIAC को सेटअप किया जा रहा है, आवश्यकता इसका क्यों पड़ा हम लोग को. द आइडिया इज टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर फोकस ऑन मैरिटाइम एंड शिपिंग डिस्प्यूट दैट कैन हेल्प रिजॉल्व कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटाइटी सेविंग ऑपरेशन इन इंडिया. जो आइडिया है इसके पीछे कि क्रिएट किया जाए एक वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर को जो कि फोकस करेगा मैरिटाइम और शिपिंग डिस्प्यूट के ऊपर जो रिजॉल्व करेगा कमर्शियल और फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को इन टाइटिस के बीच में जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया पे. देयर आर ओवर 35 आर्बिट्रेशन सेंटर इन इंडिया बट नन ऑफ देम एक्सक्लूसिवली डील विद द मैरिटाइम सेक्टर. अभी 35 आर्बिट्रेशन सेंटर है भारत में लेकिन उसमें से कोई भी जो है एक्सक्लूसिवली नहीं डील करता है मैरिटाइम सेक्टर से. द आर्बिट्रेशन इन्वॉल्विंग इंडियन प्लेयर इज नाउ हेल्ड एट द सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर. और जो आर्बिट्रेशन है जो कि इन्वॉल्व करता है इंडियन प्लेयर को वो सुनता है इस मैटर को कहां पे, तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर पे. गिफ्ट सिटी क्या है इसके बारे में जानेंगे. द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी इज अ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नियर अहमदाबाद इन गुजरात इंडिया. जो गिफ्ट सिटी आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ये एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद के पास गुजरात में आपका. इट इज इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विच द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात प्रमोटेड एज ए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ जिसमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है वो प्रमोट कर रहा है इसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर. द सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर. ये जो सिटी है किस रिवर के बैंक में लोकेटेड है, तो साबरमती रिवर के. इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर IFSC एंड IFSC कैटर टू कस्टमर आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी. सच सेंटर डील विद फ्लो ऑफ फाइनेंस फाइनेंस प्रोडक्ट एंड सर्विस अक्रॉस बॉर्डर. जो IFSC होता है वो कैटर करता है कस्टमर को जो कि आउटसाइड है ज्यूरिसडिक्शन से डोमेस्टिक इकोनॉमी के. वैसा सेंटर डील करता है फ्लो ऑफ फाइनेंस को फाइनेंशियल प्रोडक्ट को और सर्विस को बॉर्डर के अक्रॉस. लंदन न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर कैन बी काउंटेड एज ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर. जो आपका लंदन है न्यूयॉर्क है और सिंगापुर है उसको काउंट किया जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पे. सर्विसेज एंड IFSC कैन प्रोवाइड. तो सर्विसेज है जो कि एक IFSC प्रोवाइड करते हैं. फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट. यानी फंड रेजिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल के लिए कॉर्पोरेशन के लिए गवर्नमेंट के लिए. एसेट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अंडरटेकन बाय पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड. एसेट मैनेज करते हैं ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो कि किया जाता है पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के द्वारा. वेल्थ मैनेजमेंट वेल्थ को मैनेज करते हैं. ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर टैक्स लाइबिलिटी. ग्लोबली टैक्स को मैनेज करते हैं और क्रॉस बॉर्डर टैक्स लाइबिलिटी को भी देखते हैं जो कि प्रोवाइड करता है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के लिए अकाउंटेंट के लिए और लॉ फर्म्स के लिए. ग्लोबल एंड रीजनल कॉर्पोरेशन ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व फंड रेजिंग लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट एंड एसेट लाइबिलिटी मैचिंग. जो ग्लोबल और रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है जो कि ऑपरेट करता है इन्वॉल्व करता है फंड रेजिंग को लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट को मैनेजमेंट को और एसेट लाइबिलिटी मैचिंग को. रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन सच एज इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस. ये रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन होता है जिसमें इंश्योरेंस री इंश्योरेंस आता है. मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी अमंग ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन. मर्जर और एक्विजिशन एक्टिविटी होता है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन के बीच में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी NAA. हम जानेंगे नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के बारे में. द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी हैज डायरेक्टेड GST ऑफिशियल अक्रॉस द कंट्री टू इंश्योर दैट टैक्स रेट कट नोटिफाइड ऑन सम COVID-19 रिलेटेड एसेंशियल आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर. जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है उन्होंने डायरेक्ट किया है GST ऑफिशियल को पूरे कंट्री के
ताकि वो इंश्योर करे कि जो टैक्स रेट कट किया गया है, जिसको कि नोटिफाई किया गया है कुछ कोविड-19 रिलेटेड इसेंशियल पे, वो उसका बेनिफिट कस्टमर को मिले। नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है क्या? द NAA हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 171 ऑफ द सेंट्रल GST एक्ट 2017 टू इंश्योर दैट द रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स और द बेनिफिट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रिएटेड इज पास ऑन टू द रेसिपिएंट बाय वे ऑफ कमर्शियल रिडक्शन इन प्राइसेस। जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेक्शन 121 के अंतर्गत सेंट्रल GST एक्ट 2017 के, ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो रिडक्शन है रेट में कट में टैक्स को लेके, इसका जो बेनिफिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो पास और रिसिपेंट को कॉमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइस के तौर पे। द डिसीजन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द NAA केम इन द बैकग्राउंड ऑफ अ रेट रिडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम बाय GST काउंसिल इन इट 22nd मीटिंग एट गुवाहाटी। और ये जो डिसीजन था फॉर्मेशन को लेके NAA का, वो लिया गया था जो रेट रिडक्शन लार्ज नंबर ऑफ आइटम का किया गया था GST काउंसिल के 22nd मीटिंग के दौरान गुवाहाटी पे। एट द मीटिंग द काउंसिल रिड्यूस रेट ऑफ मोर देन 200 आइटम्स इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस। और इस मीटिंग के दौरान काउंसिल ने रिड्यूस किया था जो रेट है मोर देन 200 आइटम्स का, जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज भी आते हैं। दिस हैड मेड अ ट्रेमेंडस प्राइस रिडक्शन इफेक्ट एंड द कंज्यूमर विल बी बेनिफिटेड ओनली इफ द ट्रेडर्स आर मेकिंग द क्विक रिडक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ रेस्पेक्टिव आइटम। और ये जो है ट्रेमेंडस प्राइस को रिड्यूस किया था और इसका जो इफेक्ट था कंज्यूमर को बेनिफिट होना था अगर ट्रेडर्स जो है वो क्विक रिडक्शन करते हैं प्राइस को रेस्पेक्टिव आइटम्स का। तब देयर वाज अ कंसर्न दैट ट्रेडर्स आर रिलक्टेंट टू मेक प्राइसेस कट सो दे कैन मेक प्रॉफिट। लेकिन कंसर्न ये था कि ट्रेडर जो है वो रिलक्टेंट है, नहीं इच्छा जता रहे प्राइस को कम करने का क्योंकि वो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं। व्हाट इज प्रॉफिटिंग? प्रॉफिटिंग होता क्या है? तो प्रॉफिटिंग मीन्स अनफेयर प्रॉफिट रियलाइज बाय ट्रेडर बाय मैनिपुलेटिंग प्राइस टैक्स रेट एडजस्टमेंट एक्सेट्रा। प्रॉफिटिंग का मतलब होता है अनफेयर प्रॉफिट जो कि किया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा मैनिपुलेट करके प्राइस को और टैक्स रेट को एडजस्ट करके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूली लॉन्च GST प्रॉफिटिंग मीन्स दैट द ट्रेडर्स आर नॉट रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज व्हेन द GST काउंसिल रिड्यूसेस द टैक्स रेट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। अब GST के केस में क्या है, प्रॉफिटिंग का मतलब होता है कि जो ट्रेडर्स है वो नहीं रिड्यूस कर रहे प्राइस का किसी भी कमोडिटीज का, जबकि GST काउंसिल ने रिड्यूस कर दिया है जो टैक्स रेट था उस कमोडिटी या सर्विस का, उसके बाद भी ट्रेडर्स नहीं कर रहे, उसी को प्रॉफिटिंग कहते हैं GST के केस में। Conventionally, several traders will have a strong tendency to quickly increase the price of commodity whose tax rate has been increased. और conventionally देखा गया कि बहुत सारे traders है वो strongly tendency रखते हैं कि वो तुरंत जो price है वो increase तो कर देते हैं commodity का अगर tax rate बढ़ता है तो, लेकिन जब tax rate गिरता है तो इसका जो benefit customer को मिलना चाहिए वो नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि दोनों vice versa होना चाहिए, अगर price increase किया है तो increase किया करना चाहिए और अगर decrease किया तो decrease करना चाहिए। बट ऑन दी अपोजिट साइड दे में डिले दी प्राइस रिडक्शन ऑफ अ कमोडिटी हुज टैक्स रेट हैड बीन कट बाय द गवर्नमेंट। तो लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो प्राइस रिड्यूस किया गया कमोडिटीज का टैक्स रेट कट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये काम नहीं करते हैं। और डिले और पोस्टपोन प्राइस रिडक्शन हेल्प बिजनेस फर्म टू मेक ए हायर प्रॉफिट, द लूजर हियर आर द कस्टम कंज्यूमर। और जो डिले किया जाता है वो जो पोस्टपोन किया जाता है प्राइस रिडक्शन को बिजनेस फर्म के द्वारा, इस कारण वो हायर प्रॉफिट को अर्न करते हैं और नुकसान जो है वो अल्टीमेटली किसका होता है, तो कंज्यूमर का होता है। इस कारण इसको सेटअप किया गया था नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को। इसका फंक्शन क्या है? द अथॉरिटी मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेडर्स आर नॉट रियलाइजिंग अनफेयर प्रॉफिट बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस फ्रॉम द कंज्यूमर इन द नेम ऑफ GST। जो अथॉरिटी है इसका मेन फंक्शन है कि वो इंश्योर करे कि जो ट्रेडर्स है वो नहीं रियलाइज करे अनफेयर प्रॉफिट को, चार्ज करे हायर प्रॉफिट को कंज्यूमर से GST के नाम पे नहीं करे, उसको देखने के लिए इसको बनाया गया है। ट्रेडर्स में चार्ज हाई प्राइस फ्रॉम कंज्यूमर बाय नेमिंग द GST फैक्टर। ट्रेडर्स जो है वो चार्ज करते हैं हाई प्राइसेस को कंज्यूमर से GST के नाम पे। सिमिलरली दे मे नॉट मेक क्विक एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइसेस रिडक्शन व्हाइल GST काउंसिल मेक ए टैक्स कर, ऑल दिस कंस्टिट्यूट प्रॉफिटिंग। और सिमिलरली देखा जाता है कि वो क्विक और कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस रिडक्शन नहीं करते हैं जब GST काउंसिल टैक्स कट करते हैं, तो ये सब जो है प्रॉफिटिंग में आता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NAA इज टू एग्जामिन एंड चेक सच प्रॉफिटिंग एक्टिविटी एंड रिकमेंड प्यूनिटिव एक्शन इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाता है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का, तो वो एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे ऐसे प्रॉफिटिंग एक्टिविटी को, रिकमेंड करेंगे प्यूनिटिव एक्शन को जिसमें कि कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस भी उनका कैंसिल किया जा सकता है। स्टेप्स वर टेकन बाय द NAA टू इंश्योर दैट कस्टमर गेट द फुल बेनिफिट ऑफ टैक्स कट। क्या स्टेप लिया गया है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के द्वारा इंश्योर करने के लिए कि जो कस्टमर है उनको पूरा बेनिफिट मिले टैक्स कट का? तो होल्डिंग रेगुलर मीटिंग विद द जोनल स्क्रीनिंग कमिटी एंड चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू स्ट्रेस अपॉन कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। वो होल्ड कर रहा है रेगुलर मीटिंग को जोनल स्क्रीनिंग कमिटी के साथ, चीफ कमिश्नर के साथ सेंट्रल टैक्स का, ताकि स्ट्रेस किया जा सके कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर।
launching a helpline to resolve the queries of citizen regarding registration of complainant against profit ring. उन्होंने लॉन्च किया है एक हेल्पलाइन को ताकि रिजोल्व किया जा सके जो क्वेरी है सिटीजन्स का जो कि रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है कंप्लेन का प्रोफिटरिंग को लेके रिसीविंग कंप्लेन थ्रू ईमेल एंड द एनएए पोर्टल. वो रिसीव कर रहे हैं कंप्लेन को ईमेल और एनएए पोर्टल के माध्यम से. वर्किंग विद कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आउटरीच एक्टिविटी. ये वर्क कर रहे हैं कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि वो फैसिलिटेट कर सके आउटरीच एक्टिविटी को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया कंप्लीट टर्म एज ए चेयर ऑफ आईएलओ गवर्नमेंट बॉडी. इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है अपना टर्म को जो वो चेयर कर रहा था आईएलओ के गवर्निंग बॉडी को. तो हम जानेंगे इसके बारे में फिर आईएलओ क्या है सब कुछ कंसीडर करेंगे. इंडिया टर्म एज ए चेयर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ इंडेड रिसेंटली अक्टूबर 2020 टू जून 2021. इंडिया को जो टर्म था चेयर करने को लेकर गवर्निंग बॉडी के तौर पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वो समाप्त हो चुका है. अभी हाल ही में इंडिया ने चेयर किया था इसको अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक. लास्ट ईयर इंडिया एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ गैप ऑफ 35 ईयर. लास्ट ईयर इंडिया ने एज्यूम किया था चेयरमैनशिप गवर्निंग बॉडी का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 35 ईयर्स के गैप के बाद. आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गैप के बाद इंडिया को चेयरमैनशिप मिला था. अबाउट द गवर्निंग बॉडी, इस गवर्निंग बॉडी के बारे में हम जान ले. दिस इज द एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द आईएलओ विच डिसाइड पॉलिसी प्रोग्राम एजेंडा बजट एंड इलेक्ट द डायरेक्टर जनरल. इट मीट इन जेनेवा. ये जो है आईएलओ ये एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है आईएलओ का. ये जो कि डिसाइड करता है पॉलिसी को प्रोग्राम को एजेंडा को बजट को और इलेक्ट करता है डायरेक्टर जनरल को. ये मीट करते हैं जेनेवा पे जो गवर्नर बॉडी होते हैं आईएलओ के. वो आईएलओ क्या है तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक एजेंसी के तौर पर लीग ऑफ नेशन के लिए वर्ल्ड वॉर वन के बाद. एस्टेब्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल इन 1919. इसको एस्टेब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल के द्वारा 1919 में. इट बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 1946. और ये पहला स्पेशलाइज एजेंसी बन गया था यूनाइटेड नेशन का कब 1946 में. इट गॉट द नोबल पीस प्राइज इन 1969 और इसको नोबल पीस प्राइज भी मिल गया 1969 में. इट इज द ओनली ट्रिपेटाइट यूएन एजेंसी. इट ब्रिंग टूगेदर गवर्नमेंट इम्प्लॉय एंड वर्कर. ये एक लौटा ट्रिपेटाइट यूएन एजेंसी है जो कि एक साथ लाता है गवर्नमेंट को इम्प्लॉयर्स को और वर्कर को. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है. जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आईएलओ रिलीज करता है तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा येल्लो स्टोन नेशनल पार्क. तो हम जानेंगे येल्लो स्टोन नेशनल पार्क के बारे में क्यों आया है, ये कहाँ पर है, किस स्टेट व कहाँ पे लोकेटेड है सब कुछ. अ न्यू असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द येल्लो स्टोन नेशनल पार्क सो दैट इट हैड लॉस्ट द क्वार्टर ऑफ इट्स एनुअल स्नोफॉल. एक नया असेसमेंट किया गया है क्लाइमेट चेंज को लेकर येल्लो स्टोन नेशनल पार्क पे. उसमें यह पाया गया है कि उसने लॉस्ट किया है क्वार्टर ऑफ इट्स एनुअल स्नोफॉल को. येल्लो स्टोन नेशनल पार्क. येल्लो स्टोन नेशनल पार्क इज एन अमेरिकन नेशनल पार्क लोकेटेड इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट लार्जली इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द वायोमिंग एंड एक्सटेंडिंग इन टू मोन्टाना एंड इडाहो. जो येल्लो स्टोन नेशनल पार्क है ये आपका अमेरिकन नेशनल पार्क है. ये आपका लोकेटेड है वेस्टर्न यूएस में. कहां पे लोकेटेड है, वेस्टर्न यूएस में, जो कि लार्जली आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में पड़ता है वायोमिंग के. और ये एक्सटेंड है मोन्टाना एंड इडाहो तक. येल्लो स्टोन वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द यूएस एंड इज ऑल्सो वाइडली हेल्ड टू बी द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड. और येल्लो स्टोन नेशनल पार्क जो है वो पहला नेशनल पार्क है यूनाइटेड स्टेट्स का. और इसको वाइडली ये भी माना जाता है कि ये पहला नेशनल पार्क है वर्ल्ड का भी. द पार्क इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड इट्स मेनी जियोथर्मल फीचर्स स्पेशली ओल्ड फेथफुल गीजर वन ऑफ इट्स मोस्ट पॉपुलर. ये जो पार्क है वो जाना जाता है बहुत सारे इसके वाइल्ड लाइफ और बहुत सारे जियोथर्मल फीचर्स के कारण, जिसमें जो ओल्ड फेथफुल गीजर है वो मोस्ट पॉपुलर है. While it represents many type of biomes, the subalpine forest in the forest abandoned, it is part of the South Central Rocky Forest ecoregion. ये represent करता है बहुत सारे type of biomes को, लेकिन जो इसका subalpine forest है वो most abandoned है और ये part है South Central Rocky Forest ecoregion का. This area also represents the one point where the three major river basin of the western US converge. और ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को जहाँ पे जो तीन मेजर रिवर बेसिन है वेस्टर्न यूएस के वो कन्वर्ज करते हैं. द रिवर ऑफ स्नेक कोलंबिया बेसिन, ग्रीन कोलोरेडो बेसिन, मिसौरी रिवर बेसिन ऑल बिगिन एज स्नो ऑन द कॉन्टिनेंटल डिवाइड एज इट स्वीप्स अक्रॉस येल्लो स्टोन पीक एंड प्लेटू. जो रिवर है आपका स्नेक कोलंबिया बेसिन का, ग्रीन कोलोरेडो बेसिन और मिसौरी रिवर बेसिन, ये सारा बिगिन करता है स्नो के तौर पे कॉन्टिनेंटल डिवाइड पे और व्हीप करता है अक्रॉस येल्लो स्टोन पीक एंड प्लेटू पे. क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पे क्लाइमेट चेंज का, तो सिंस 1950 एवरेज टेम्परेचर इन द ग्रेटर येल्लो स्टोन एरिया
have risen 1.3 degrees Celsius and potentially more importantly, the region has lost a quarter of its annual snowfall. 1950 के बाद से देखा गया है जो एवरेज टेम्परेचर है ग्रेटर येलोस्टोन एरिया का वो राइज हो चुका है 1.3 डिग्री सेल्सियस और पोटेंशियली मोर इम्पोर्टेंटली क्या है ये जो रीजन है उसने खो दिया है अपना क्वार्टर एनुअल स्नोफॉल को. द लॉस ऑफ स्नो देयर हैज रिपरकशन फॉर अ वास्ट रेंज ऑफ इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ एज वेल एज सिटी एंड फार्म डाउनस्ट्रीम दैट रिलाई ऑन रिवर दैट स्टार्ट इन दिस माउंटेन. जो लॉस हो रहा है स्नो का उसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है वास्ट रेंज ऑफ इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो सिटीज और फार्म के डाउनस्ट्रीम के और वहां पर जो रिवर अर्थात इस माउंटेन से स्नो के कारण जहां पर वाटर आ जाता था उसमें भी डिटोरिएशन हुआ है. इट इज होम टू साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ ग्रिजली बियर पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका एंड सम ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटैक्ट वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन इंक्लूडिंग द सीजनल ट्रेवल्स ऑफ इल्क प्रोंगॉन मूल डियर एंड बाइसोन. ये होम है साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ ग्रिजली बियर के पॉपुलेशन का नॉर्थ अमेरिका का और कुछ तो लॉन्गेस्ट इंटैक्ट वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन जो होते हैं जिसमें कि सीजनल ट्रेवल्स इल्क के प्रोंगॉन के मूल्क डियर और बाइसन के वो सब भी आते हैं. ये आप देख सकते हैं इसका लोकेशन ये कहाँ पे तो यूएस में है तो बाउंड्री आप उसका देख सकते हैं. नॉर्थ में कनाडा साउथ में मैक्सिको इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है इधर अटलांटिक ओशियन देन आपका पैसिफिक ओशियन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण. तो पोषण है क्या. इट इज ऑल्सो नोन एज पोषण पोया. इट इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड बाय श्रीलंकन बुद्धिस्ट सेलिब्रेटिंग द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका इन द 12th सेंचुरी बीसी. जो पोषण है इसको हम पोषण पोया भी कहते हैं. ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि श्रीलंकन बुद्धिस्ट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है अराइवल को लेकर बुद्धिज्म का श्रीलंका पे 3rd सेंचुरी BC पे. तो ये जो पोषण है या पोषण पोया है कौन सेलिब्रेट करते हैं क्या है ये फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है श्रीलंकन बुद्धिस्ट के द्वारा क्योंकि वो सेलिब्रेट करते हैं अराइवल को बुद्धिज्म का श्रीलंका पे 3rd सेंचुरी BC के दौरान. द फोकल पॉइंट ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल इन द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स ऑन द माउंटेन टॉप मिनीतेल वेयर अरहत महिंद्रा तेरो प्रीच बुद्धिस्ट टू वन ऑफ द किंग ऑफ श्रीलंका. जो मेन फोकल पॉइंट होता है इस रिलीजियस फेस्टिवल का बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है जो कि माउंटेन में है आपका मिनीतेले पे जहां पे जो आपका अरहत महिंद्रा तेरो थे उन्होंने प्रीच किया था बुद्धिज्म को जो एक किंग था श्रीलंका को उनको सिखाया था. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दीज आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.